Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. Guys, in today's video, I am going to share my CTM routine with you all. Guys, do you know that CTM कितना important है हमारी skin के लिए? Cleansing, toning and moisturizing. ये तीन steps बहुत ही important steps हैं हमारी skin के routine के. And at least once in a day, you should follow this cleansing, toning and moisturizing routine. Guys, in this video, I am going to show you few products which recently I've been loving it and I've started using it like, you know, a month now. It's been a month now that I have been using it and I am in love with it. ये प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट आते हो चुके हैं, इनकी जो डिब्बियां हैं मैंने बड़ी मुश्किल से संभाल के रखी हैं. सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो एंड सी व्हाट दिस ब्रांड इज ऑल अबाउट. बिफोर यू गेट इनटू द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लीव अ लाइक एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हेदर यू आर लाइकिंग माय वीडियोस और नॉट एंड व्हाट ऑल सॉर्ट ऑफ वीडियोस यू वांट मी टू मेक फॉर यू इन फ्यूचर. नाउ विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. जो सबसे पहला स्टेप क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग का होता है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक हैवी लुक क्रिएट किया हुआ है. अभी मैं कुछ स्वॉचेस करके हटी हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करके हटी हूँ. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव ऑल द डर्ट, इज रिमूव ऑल द मेकअप विद द हेल्प ऑफ अ क्लेंजर, विद द हेल्प ऑफ अ मेकअप रिमूवर या फिर इस तरह की कुछ वाइप के साथ. आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वाइप विद अ मेकअप रिमूवर. सो आप कोई भी एक मेकअप रिमूवर लेकर सबसे पहले अपना मेकअप रिमूव कर लें. So guys, after removing all the makeup, the first step of cleansing CTM routine is cleansing. So सबसे पहला step मैंने makeup remove कर लिया है. Now I am going to wash my face with a cleanser or a face wash. So यहाँ पर जो मैं face wash use कर रही हूँ, this is from the brand TAC. ये TAC का 7% कुमकुम आदि face wash है. This contains 24K गोल्ड डस्ट. तो इसको यूज करके सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने फेस को क्लेंस कर लूंगी. ये कुछ इस तरह से आता है. So let's do that. Guys, one thing I really like about these products is that these are toxin free and these come with Ayurvedic ingredients and completely sustainable to use. Also, they come with a very premium and very good packaging at a very affordable price. I love these products and I am planning to continue these products for future. I love 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 all these. ऑलराइट गाइस, सो ऑफ कैमरा मैं टैब पर जाके अपना जो फेस है उसको वॉश कर रही हूँ. नाउ गाइस, आई एम गोइंग टू डू द स्क्रबिंग टुडे बिकॉज आज और कल से ही मैं बहुत हैवी मेकअप कर रही हूँ. सो मेरे जितने भी पोर्स हैं मैं उनको ओपन अप करूंगी विद द हेल्प ऑफ स्क्रब. स्क्रबिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ट्वाइस अ वीक स्क्रबिंग कर सकते हो. और गाइज, आई रिकमेंड नॉट टू डू स्क्रबिंग ऑन एवरी डे बेसिस बिकॉज उससे स्किन ड्राई भी होता है एंड पोर्स ओपन अप हो जाते हैं, फिर उनको क्लोज करना जरूरी होता है एंड समटाइम्स वी पीपल डोंट फॉलो अ गुड रूटीन. सो स्क्रबिंग वंस और ट्वाइस ही वीक में करें, रेगुलरली ना करें. सो फॉर स्क्रब आई एम गोइंग टू यूज दिस TAC का 7% कुमकुम आदि फेस स्क्रब. दिस इज अगेन कंटेन्स 24K गोल्ड डस्ट. आई रियली रियली लाइक दिस स्क्रब, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. सो इसको यूज करके मैं अपने फेस की स्क्रबिंग कर लूंगी. Guys, this particular scrub from TAC, the Ayurvedic Co, is my personal favorite. All the products are paraben free. This is one of the reason. Again, you know, this clean and tone the pores, make my skin healthy and smooth. Also, this improves the skin texture and provide the nourishment. And this is completely natural and safe to use. 100% natural or Ayurvedic ingredients are made and completely safe, doesn't irritate the skin. And the best part about the products is that these are good for all skin types. सो गाइज, आफ्टर स्क्रबिंग वॉट वी आर गोइंग टू डू इज जितने भी पोर्स ओपन अप हुए हैं हम उनको क्लोज कर देंगे. पोर्स ओपन अप होते हैं, डर्ट निकलता है तो पोर्स ओपन हो ही जाते हैं. इसके लिए आप कोई भी एक टोनर यूज कर सकते हो. सो यहाँ पर मैं भी एक टोनर यूज कर रही हूँ. कोई भी टोनर ले सकते हो आपकी स्किन टाइप या आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से. आप चाहे तो डायरेक्टली स्प्रे कर सकते हो, अगर स्प्रे फॉर्म में है. अगर ओपन है तो कॉटन के साथ यूज कर सकते हो. जैसे भी आप यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू यूज माई टोनर. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट सम ऑन माई हैंड्स एंड गोइंग टू जस्ट डैब इट ऑन माई स्किन लाइक दिस सो दैट
जितने भी पोर्स ओपन हुए हैं वो क्लोज हो जाए। गाइस टोनर लगाने के बाद यू हैव टू वेट फॉर गुड 1 to 2 minutes सो दैट इट गेट ड्राइज अप। क्लींजिंग हो गया, टोनिंग हो गया, मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए आप चाहे तो एक मॉइस्चराइजर उसके बाद सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, बट आई जनरली प्रेफर टू यूज अ सनस्क्रीन। मैं अभी बाहर नहीं जा रही हूँ तो मुझे 2 लेयर की जरूरत नहीं है। आई विल बी स्टेइंग इन माई होम ओनली, सो आई एम गोइंग टू यूज सनस्क्रीन फ्रॉम द सेम सीरीज, फ्रॉम द सेम वेरियंट विच इज कुमकुम आदि सनस्क्रीन। दिस कंटेन्स SPF 50 इन इट गाइज, SPF 50। मोर द SPF, मोर द कवरेज एंड मोर आवर्स द सनस्क्रीन इन द लेयर इज गोइंग टू स्टे ऑन योर फेस। This is such a wonderful product. So many benefits in one product only. So I'm going to use this and going to apply it on my face. Alright guys, so I'm done protecting my skin with the sunscreen. So this was the last step, which was moisturizing. You can use a moisturizer and you can top it off with a sunscreen also. This all depends upon your personal preference. So that is it for the video guys. I hope you enjoyed it. I hope you get to know that how exactly you are going to do your CTM. CTM ka rule yahi hai. First you are going to do cleansing, toning and moisturizing. इसके बीच में आप स्क्रबिंग कर सकते हो और क्लेंजिंग से पहले आप मेकअप रिमूव करना मत भूलिएगा। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड इट। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आई एम लाइकिंग दीज डेज एंड दीज आर डूइंग सच गुड थिंग्स फॉर माय स्किन। दीज आर सच गुड प्रोडक्ट्स, दीज आर वंडरफुल प्रोडक्ट्स कंटेनिंग वंडरफुल एलिमेंट्स इन देम। So all the link and the information related to this, I'm going to leave it in the description box. You can go ahead and check that out. Leave a like, do subscribe to my channel, leave your comments in the comment section and let me know what all sorts of videos you want me to make for you guys. I shall meet you in my next one. Till then, you take care. Bye bye.